हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जी कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, अब बज रहे हैं शाम के 7। तो ये मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग आज हो रही है शुक्रवार इवनिंग से। तो मैं बनाने जा रही थी खाने में, मतलब चाउमीन समझ लो या बॉम्बिनो, नहीं होते बॉम्बिनो को मैंने बॉईल कर लिया है और उनको ही बना रही हूँ मैं चाउमीन टाइप में। पता नहीं बच्चों को अच्छा, कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, देखते हैं बच्चों को पसंद आता है कि नहीं आता। और सब वेजिटेबल वगैरह चॉप कर लिए हैं मैंने। मैंने सोचा चलो पहले चॉप कर लेती हूँ तो फिर स्टार्ट करती हूँ व्लॉग की स्टार्टिंग। और 7 बजे, सॉरी पता नहीं मेरी जुबान को क्या हो रहा है, लड़खड़ा रही है। और इसको देखिए, ये दिन रात यहाँ लेटा रहता है, सुबह अपना सामान भूल गया था। देखो ये चल रही है इसकी, क्या देख रही है पता ही नहीं क्या ही चल रहा है। तो चलिए बनाते हैं हम। अच्छी है, मेरे को भी दिखाई हो यार, क्या चीज देख रहा है? मोगली देख रहा है क्या? फिर हनुमान जी की वीडियो देख रहा है, मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं कार्टून, मजा आता है देखने में। तो फ्रेंड्स ये सब मैंने काट लिया है, ये देखिए यहाँ पे शिमला मिर्च और कैरेट, पनीर, थोड़ी सी बंद गोभी काटी है, टमाटर। और ये तो बनानी है बिना लहसुन प्याज की, तो मैं क्या ही को बताऊं। तो मैं सोच रही थी फ्रेंड्स के पहले बना लेते नमकीन जवे, तो फिर नमकीन जवे का वो ये तुम्हें पता है मेरे बच्चे, तो अब इन्हें मैं चाउमीन कह के बहला फुसला के, देखिए कौन खाता है कौन नहीं खाता पता नहीं। बस मैंने एक बार पहले बना चुकी हूँ, टेस्ट तो ठीक ही था, नॉट बैड। और पता नहीं पता अब पसंद आएगा कि नहीं आएगा, मुझे नहीं पता, मैं बना के देख, कोई खाएगा सही है नहीं खाएगा, तो हम ही अभी भी तो हैं खाने के लिए। फ्रेंड्स यहाँ मैंने कढ़ाई रख लिया, तो कढ़ाई में हल्का सा जंग आ गया है, रखे ये कार्तिक ने साफ़ करी थी, चलो फिर भी ठीक ही साफ़ करी थी। तो क्या करें यार, ये लोहे की कढ़ाई है ना, ये बहुत गंदी हो जाती है। तो चलिए लगते हैं बनाने में। और यहाँ मैंने देखिए बॉम्बिनो जो आ रहे हैं ना आजकल रोस्ट करे हुए, तो मैं कच्चे वाली वो नहीं ले रही, क्या कहते हैं, कच्चे वाले जवे नहीं है, ये रोस्ट करे हुए हैं, तो ये थोड़ा ठीक रहेंगे हमारे लिए। तो अब बनाते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो यहाँ लग गई हूँ अब मैं चाउमीन बनाने के लिए। तो ये चाउमीन समझ लो, बॉम्बिनो समझ लो, आई डोंट नो, तो जो भी मन करे वो नाम आप रख सकते हो इसका। तो मैंने इसे चाउमीन का ही नाम दिया है, तो बच्चों को यार वो ही रहता है, कुछ नया बनाओ आप, कुछ नया बनाओ। और मेरे बच्चों का तो खैर आप सोच भी नहीं सकते, रोजाना का ही उनको रह रहता है कुछ नई रेसिपी करो, कुछ नई रेसिपी करो। तो मैं तो इनके इन सब चीज़ों से तंग आ चुकी हूँ, तो बस आज मैं ये ट्राई करके देख रही हूँ। तो क्या ही करें यार, क्या डालें इनके, अगर लहसुन प्याज हस्बैंड जी के चक्कर में नहीं डाल सकते, तो देखते हैं पहले ऐसे ट्राई करके, अगर बच्चों को नहीं पसंद आया तो फिर इसमें प्याज और लहसुन डाल के इसको अच्छे से बना लेंगे। तो बस अब इसी की प्रिपरेशन में लग रही हूँ। तो यहाँ मैंने टमाटर डाल दिए हैं, मस्टर्ड ऑयल डाल के, और उसमें थोड़ी सी मैंने राई ऐड करी थी, हाँ राई डाल के थोड़ी सी हींग डाल के। तो ये टमाटर को मैं अच्छे से गला लूँगी, फिर इसके बाद ये सारी वेजिज जितनी मैंने काटी है ना, तो फ्रेंड्स वो सारी मैं डाल दूंगी। और अच्छे से जब तक ये चिकनाई नहीं छोड़ देते टमाटर, तो इनको मैंने भूनना है अच्छे तरीके से। तो आजकल सीज़न इतना प्यारा चल रहा है, जो जितनी भी हरी सब्जियां आ रही हैं, तो हम किसी ना किसी के मतलब खानी चाहिए हमें, ठंड में बहुत ही अच्छी होती है, फ़ायदेमंद होती है बच्चों के लिए भी। तो यहाँ ये सारा मैंने सामान डाल दिया है, और अब इनको मतलब हल्का हल्का सा रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि फिर ज़्यादा गली हुई वही है चाउमीन में अच्छी भी नहीं लगती। और ये खूब अच्छे तरीके से भून लेनी है मैंने, हैं खूब ऐसे ही चलाती रहूँगी जब तक ये बिल्कुल अच्छी सी नहीं हो जाएंगी, क्रिस्पी क्रिस्पी सी, तब तक मैंने इनको भूनना है। Well, it's something like a Monday or maybe like a Tuesday. Really? I don't even know. Yeah, I went and tried to tell her that I love her, and she told me you can find your way to the friend zone. It's whatever. I don't even care anymore. I just really want to be alone. My best friend keep on blowing up my phone, trying to ask me if I'm good, man. What do you think? I mean, really, if I'm trying to be real, then I already know what it is. The best thing you could ever want to wish for at the best time of the year.
National Friends Day. I'm as green as I wanna be. Cruising through the late night shifts on a jet ski, blowing out, blowing smoke out my head. It's fine. I don't even know the time. I don't really know the feel. She don't even know what's up. Tell her, tell me how you really feel. But she don't really give a damn. Still tell me take a hand. Why we even turning up? You remember what the day is? Yeah. It's National Friends Day. National Friends Day. National Friends Day. Is it really who we are? Is it really who I am? Is it really who you? Is it really about the green squares, dumb? I don't even want to talk. I don't even want to text. I just really want your best. Something more, but nothing less. All the stuff up from the chest, so I keep a vest on. Trying to keep me in the zone. Man, I feel so home alone. Swear my heart is hella broken, but I swear I play it cool. Love the party, love the function. Swear I'm looking like a fool. Well, whatever. I'ma do my own, yeah, yeah. Hey, swear I'm about to ghost, yeah, yeah. But I'm still here, cause, hey, it's National Friends Day, yeah. National Friends, National Friends Day, yeah. FRND Friends FRND, tell me what you know. FRND, do I know? FRND, 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 friends. Ba da da da, ba da da da. What if we could plan it out? Cabo for a week, Paris for a day, ooh-wee-wee. You can come and be my babe, you can see what a gentleman I am, yeah. What if we could plan it out? Party in the streets, like the golden day. हाँ जी फ्रेंड्स, अब निपट चुका है मेरा काम किचन का पूरा, देख सकते हो आप. पूरा किचन साफ हो चुका है, एकदम क्लीन हो गया है. तो जी अब आ रही है मेरे को बहुत तेज नींद, क्योंकि सुबह से उठे उठे ये टाइम हो गया है. सुबह 5:15 बजे से उठ के ना 5:30-5:30 तो उठ ही जाती हूँ, खैर क्योंकि वो ये फिर लेट हो जाते हैं. तो 5:30-5:30 बजे से उठे उठे और अब बज रहे हैं 9:45 बजने वाले हैं. तो अब मैं कपड़े वपड़े चेंज करूँगी और सोऊँगी, सोने की तैयारी करूँगी. सोते सोते भी आधा घंटा लग जाएगा, फ़ोन वोन चलाऊँगी. तो आज मैं बहुत बुरी तरह से थक रही हूँ फ्रेंड्स, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है. दोपहर में पार्क चले जाते हैं और बस वही 5 बजे करीब आती हूँ, फिर किचन में चाय वाय बनाओ. तो मतलब पूरा दिन ऐसे ही भागम भाग सी रहती है मेरी. और अब बैटरी मेरी लो हो रही है, अब खड़ा नहीं हो जा रहा. अब दिन कर रहा है जा जल्दी से बिस्तर में और लेट जा सो जा. तो फ्रेंड्स फिर सुबह मिलते हैं, गुड नाइट. अपना अपना ध्यान रखिए. तो बाय बाय, स्वीट ड्रीम, सुबह मिलेंगे फ्रेंड्स. अब अगला नेक्स्ट व्लॉग जो एडिटिंग करूँगी वो सुबह का करूँगी. तो जब तक के लिए बाय. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी. तो अब मैं उठ गई थी, वही आज थोड़ा बच्चों ने जाना नहीं था, लेट जाना है. कार्तिक ने भी लेट जाना है और डुगू तो अपने टाइम पे जाएगा 8:30 पे. तो बस यहाँ लग गई हूँ मैं. उठते ही नहा धोकर आ गई थी किचन में और आज बना रही हूँ मैं गोभी आलू की सब्ज़ी. तो मैं वही सोची थी लंच में बनाऊँ कि डिनर उसमें ब्रेकफास्ट में बनाऊँ. तो फिर मेरे को लगा चलो दोनों की तैयारी कर लेती हूँ. जिसे परौंठे सब्जी खाने होंगे वो खा लेगा, अदरवाइज़ मेरी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी. जिसने जैसे भी नाश्ता करना है. तो कल की आलू की स्टफिंग भी रखी हुई है, अगर जिसको जैसे भी नाश्ता करना है. तो बस यहाँ मैं आलू गोभी की सब्ज़ी ही रेडी कर रही हूँ. तो यहाँ मैंने आलू और गोभी को उठने के बाद कट कर लिया था और फिर लग गई मैं किचन में ये सब सब्जी बनाने के लिए. तो मैंने अभी बाल भी नहीं खोले थे, मैंने सोचा चलो पहले बना देती हूँ. क्योंकि
तो जी बस यहाँ पे सब्जी का मसाला वगैरह भुन रहा है, और इतनी देर में मैंने क्या कहते हैं बालों को भी बाहर झाड़ लिया था, और फिर मैं आ गई फिर दोबारा से मसाला वगैरह रेडी करने में। जब तक मैंने सोचा ये सब्जी बनेगी तब तक मैं और जो मेरे थोड़े बहुत से काम है, ये देखिए मसाला पूरा भुन चुका है और चाय भी बन गई है, और ये महाराज जी को देखिए उठ के यहाँ पी बैठ गए हैं अपना गर्म पानी पीने के बाद। तो यहाँ देखिए चाय भी पक चुकी है, और ये मैं सब्जी को अच्छी तरीके से भून के और फिर अब गूंद रही हूँ मैं आटा। तो आटे का भी डो लगा कर मैं रेडी कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को उसके बाद बनानी है परौंठियाँ। तो फिर मैं बस जल्दी जल्दी ये सारे काम निपटा रही हूँ, क्योंकि कार्तिक थोड़ा सा लेट जाएगा, डुगू को जाना है अपने टाइम पर। तो आज लेट थोड़ा सा उठी थी 6:30 बजे, और तो वही था कि आज बच्चों ने जाना है, 6:30 बजे उठी थी, और फिर वही है नहाना है, नहाते धोते यही टाइम हो गया, 7 के करीब बच गए थे। तो बस यहाँ आटे का डो भी रेडी हो गया है, अब इसको थोड़ा सा रेस्ट पे छोड़ दूँगी थोड़ी देर, वही है थोड़ा सा मुलायम हो जाएगा अच्छे तरीके से। और जब तक मैं सोच रही थी चलो मशीन लगा आती हूँ, क्योंकि मशीन लगाने के लिए मेरे पे आज कपड़े बहुत सारे हो रहे थे, दोनों की यूनिफॉर्म्स उतर गई हैं, क्योंकि डुगू 2 दिन से ट्रैक सूट पहन के जा रहा था स्कूल में, और आज कार्तिक वैसे जाएगा घर के कपड़े पहन के। सैटरडे चल हो गया रेडी, बनाऊं नाश्ता तेरा? हम जा रहे हैं 9:00 पे निकल जाऊंगा। चल चल मैं परौठी बनाती हूँ तेरी, तू भी नहा ले यार, गीजर चल रहा है, मैं गीजर बंद कर रही हूँ। गीजर नहीं होता, जाओ सब घूमने जाओ, मैं ही घर में रहती हूँ। 4-5 दिन मत नाओ किसी का, क्या ले रहे हो अपने तुम्हारे, मैं डेली नहीं नहाता, मैं सच बता दूं, मैं रहने देती हूँ। आलू का पराठा बना दूं बेटा, क्या बनाऊं? मम्मी आज मेरा खाना नहीं बनेगा। खाना नहीं बनेगा, मैंने तो गोभी आलू बना लिया। नहीं बनेगा ना, आज मेरे को जाना है। तो फ्रेंड्स मैंने तो चाय ले ली, अब मैं इन दोनों को दे देती हूँ, और इनके डैडी को भी नीचे शॉप। मम्मी यार और मेरे कपड़े निकालो, एक व्हाइट शर्ट निकाल दो, पापा की नहीं जींस निकाल दो, जो मैं यहाँ से लेग से। तू पापा के सारे कपड़े पहन ले। अरे पापा के कपड़े नहीं यार, उन्होंने बेल बॉटम वाला आजकल स्टाइल नहीं चल रहा। अभी रुक जा निकालती हूँ एक जीन्स पहले। मैं फ्रेंड्स डुगु सॉरी फ्रेंड्स डुगु क्या कह रही हूँ, डुगु मैं बना दूँ जल्दी से परौठी? परौठी का आता पराठा बोला, पराठा बना देती हूँ तेरे लिए, पराठा इसके लिए परांठा बोलो, परांठा। चलो तो जी ये इनकी सुबह सुबह इतनी इतनी दिमाग खोरी करते हैं ये बच्चे मेरे। ये सब्जी भी काफी हद तक बनी चली है, तो इसे डुगो सब्जी भी बन गई है बच्चे, गल गए आलू। हाँ तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, आपका फिर से स्वागत हो चुका है व्लॉग में, और हमारे बीच है एक डुगो भाई। और मेरे बालों को जज मत करना, क्योंकि मैं भी अभी नहाया नहीं हूँ, बस मैंने ब्रश किया है और फ्रेश हो गया, क्योंकि ना इसने अरे यार गीजर भी तो इसने बंद कर रखा था। और कह रहे ₹50 मैं दे दूंगा, तुम मेरे को 100 रुपए दे देना, 100 रुपए क्यों दूंगा यार, मैं आपको पैसे ही देना। गाड़ी गाड़ी क्या होता है, गाड़ी चलानी भी नहीं आती, तुम्हें बता दिया व्हाइट शर्ट और एक जींस निकाल देना अच्छी सी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ पापा को कुर्ता पहन दूँ, मम्मी मैं सोच रहा हूँ पापा वाला कुर्ता पहन दूँ, व्हाइट वाला, वो व्हाइट वाला नहीं पापा, पापा बोलिए ना कुछ नहीं, पापा व्हाइट कौन सा कुर्ता अच्छा, मुझे लगा वो दूसरे वाला। हाँ शादी में जा रहा हूँ ना, किसी की कुर्ती में पहन के जाऊंगा। कल को क्या फॉर्म देख ही पड़ी थी यार, कल पता फ्रूटी पी ली उसके चक्कर में, आज पूरे अरे छज्जे पे थी कल, इस वाले जो थी कल तक तो इसी वाले छज्जे पे थी, आज का नहीं बताओ। ये देखो गाइस हमारी सब्जी बन के हो चुकी है तैयार, आलू गोभी बहुत अच्छी बनी, जो कोई नहीं खाता है मैं तो नहीं खाता आलू गोभी। चलो गाइस आज छज्जे की भी नजारे आपको, ये सब बाल बनी ठंडू। हाँ तो गाइस ये देखिए
फीस्ट। इतना क्रीम भी लगाई थी, क्रीम लगा ले, फेस बिल्कुल ड्राई ड्राई दिख रहा है भाई साहब। शिट भाई, अब यहाँ पे नाश्ता भी करेगा? नहीं कुछ भी नहीं करता ये बेचारा, रात भी रोटी नहीं खाई है इसने। मैंने भी नहीं खाई है क्योंकि हमने चौमिन खाई थी। चौमिन भाई साहब इतना धोखेबाज औरत है, जवे उबाल के चौमिन खिलाती है। खिला तो देती हूँ। मत खिलाओ भाई, यार ये चीज यार देखो सही नहीं है, ये चीज मम्मी यार सही नहीं है। फिर आपको मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैंसिल के कपड़े पहने, वो सही लगे पहनने के बाद। एक तो देखो अगर कुछ भी सही नहीं लगा तो फिर ब्लैक शर्ट और ब्लू जींस, और वरना फिर व्हाइट शर्ट जो मम्मी कह रही है, पापा का कुर्ता। अरे मम्मी यार बात मानो यार, अच्छी जगह जा रहा हूँ प्लीज, अकेला थोड़ी जा रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोग आएंगे, ढंग के कपड़े पहन के जाऊंगा। तुम तो बिल्कुल ही छोड़ो बस, इनका बस नहीं चलता, मेरे को इन्हीं कपड़ों में भेज दे थे वहाँ पे भी। दुनिया को पता है ना कितने कपड़े धोती हूँ, दुनिया को पता है ना, वो तो तुम्हारे ही होते हैं ना, इसलिए अभी तो पापा से ही बात करनी है। मेरा व्लॉग तो खराब कर। चलो गाइस चलते हैं नाने, मिलते हैं आपको फिर। मैं गीजर बंद कर रही हूँ, नहीं तो जाओ। मैं अभी बना रही हूँ पराठे, मैं काजू के लिए बना रही हूँ। ओ वाह पापा के लिए, रहने दो, ये डुग्गू के लिए ही बन रहे हैं दोपहर के लिए। दोपहर के लिए पापा को नाश्ता ना। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको थोड़ी देर भाई साहब, 5 मिनट की क्लिप हो गई। चलो गाइस मिलते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, सब बच्चे चले गए हैं स्कूल और अब मैं लग गई हूँ घर के क्लीनिंग वाले काम में जो मेरा है। ये रूम की हालत क्या करके गए हैं दोनों, तो फ्रेंड्स दोनों के दोनों मेरा इतना दिमाग खा लेते हैं ना, मतलब इनसे तो बात करना जरा सी बात का इतना, मतलब एक एक बात को पकड़ पकड़ के बैठ जाते हैं मेरी, तो मेरे को तो इन्होंने कर दिया बहुत ज़्यादा ही दुखी। बट क्या करें, बच्चे अपने हैं किसी और के नहीं है, तो इनकी सारी बातें सहनी भी पड़ती हैं, अदरवाइज़ बहुत खुंदक आती है बहुत बारी इनकी हरकतें देख के, क्योंकि काम इनसे कुछ नहीं होता, फैला रही है हर जगह के कर देते हैं। और कहीं जाना है इसको आज स्कूल के, स्कूल की तरफ से, और डुगू के स्कूल में आज एग्जीबिशन, तो वो भी गया है आज, और ये महाराज जी भी चला गया है। तब मैं लगी हूँ घर के क्लीनिंग का काम करने में, और उधर खाना मेरा बन के रेडी हो ही गया है। तो यहाँ मैं करती हूँ अपने इस वाले वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।